में हमें हमेशा ऐसे कहता है अरे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अरे इन्होंने कुछ नहीं किया, अरे पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं किया। नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारा कचरा क्यों साफ करेंगे, ये हमारा कचरा जो हमने किया यहाँ पर। तो हमारी ड्यूटी होती है, हमारा कर्तव्य होता है कि उनको हेल्प करें। ओके, तो एटलीस्ट हमारा अपना कर्तव्य क्या है, एटलीस्ट एक बार आओ, यू नो, बी कम ऑन द ग्राउंड। ये किसको कहते हैं ग्राउंड वर्क। ओके, बोलना बहुत आसान है, ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे टाइप करना, क्या बोलते हैं ना वो, कीबोर्ड सोल्जर्स बोलते हैं उसे, कीबोर्ड पे अरे मारो, अरे ये करो, अरे वो करो। नहीं, आप आओ करो यहाँ पर, मेन ये। ओके, वहां पर फोन पे बैठ कर करना बहुत आसान होता है। तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार आके अपना योगदान दो यहाँ पर। बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज रियली माँ को आपकी जरूरत है, माँ को हम सब की जरूरत है। एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पे मच्छी कौन खाता है, कितने लोग मच्छी खाते हैं? जो मच्छी खाते हैं उनके लिए एक न्यूज है, बहुत जल्दी आप लोग प्लास्टिक खाओगे, ठीक है? हाँ, और जो लोग मच्छी नहीं खाते हैं उनके लिए ये है कि जो इतना मजा आप ले रहे हो इस पानी का, इस आनंद ले रहे हो बीच का, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ओके, मे बी आप लोग एंजॉय कर लोगे, आपके बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे। तो थोड़ा दूर की सोचो, थोड़ा आगे की सोचो, एंड बी रिस्पॉन्सिबल। रियली बिग बॉस किसने देखा, बिग बॉस ज्यादा लोगों ने देखा, मच्छी कम लोग खाते हैं। उसमें भी एक चीज ये है, मैंने एक चीज सीखी बिग बॉस से कि अपनी आवाज जो है, जो मन में बात होती है ना, वो आवाज बाहर आनी चाहिए, चाहे लाउड स्पीकर से आए, चाहे वो माइक से आए, चाहे वो अपनी जुबान से आए, लेकिन वो आनी चाहिए। इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, यू गो देयर एंड टेल देम इट्स रॉन्ग। मैं अभी भी अगर मैं किसी को देखूँ ना कचरा फेंक कर, मैं मेरी गाड़ी रोकता हूँ, उतरता हूँ, मैं बोलता हूँ ये आपने सही नहीं किया। तो एम्बैरेस होते, थोड़ा शर्मिंदगी होती है उन्हें, लेकिन दिमाग में बात रहती है। सो वॉइस योर ओपिनियन। और बहुत बड़ा हाथ प्रिया का, बहुत बड़ा हाथ अर्थ डे नेटवर्क का, अर्थ डे नेटवर्क का, कोरोना का बहुत बड़ा हाथ, बहुत जोरदार तालियां उनके लिए जो कि इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है। हाँ, फॉरवर्ड ये सारे जो हमारे स्पॉन्सर्स है, इनकी भी यार अगर पैसे नहीं होंगे तो बेचारे इतना नहीं होता, किसने मुझे बताया नहीं होता। सो थैंक यू लॉट टू यू। तो जहाँ पर भी धरती माँ को हम जैसे सोल्जर्स की जरूरत होगी, हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन आप भी वहीं पर पहुँचो, जैसे कि आप लोग यहाँ आए हो, जगह जगह भी जाके, ठीक है? थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। काम शुरू करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, फिनोमिनल, सॉलिड, जय हिंद। सफाई नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे बाइट करो, ऐसे क्या कहते हैं ना सैनिक, एक सैनिक बॉर्डर पे और एक सैनिक हम लोग का हमेशा सुबह 6 से लेके हम लोग शाम तक हमेशा मेहनत करते हैं, शाम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो वो वहां पर संभाल लेते हैं, ठीक है? भारत माता की जय, जय मातरम, वंदे मातरम। थोड़ा थोड़ा नीचे बैठो, एक मिनट रुको, थोड़ा लड़के लोग नीचे बैठो। अरे शादी की फोटो लेना है, दादा जरा आ जाओ। शादी इधर बीच में से लेना, यहाँ पे हाँ, सब लोग इधर बीच में देखो, इधर इधर बीच में देखो, देखिए। हाँ, थैंक यू, सब लोग यहाँ पे देखो, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, क्या बात है, बस ऐसे ही लड़ते रहो, ऐसे ही काम करते रहो, सच में। आ जा, सुमन कम है, आ जा, आ जा, मेरा छोटा भाई है। वंदे मातरम, वंदे, जोश ऐसे ही जोश होना चाहिए, सच में। एक शिल्पी, एक शिल्पी बड़ा बड़ा भारत माता की जय, जादूगरनी थी।
Prabhakar Gavre from the Jhoot Ara Koli Samaj. Together. अरे मोबाइल ए भाई हट जाओ यार अरे मोबाइल क्या कर रहे हो ए मोबाइल साइड आ जाओ साइड आ जाओ साइड साइड अरे मत ओ नहीं अरे ये तो साइड I'd like to pass the phone to Renu Hasraj, who is a operator of our area. Bye, a very good evening to one and all. And guess who you have here amongst us? The must girl, Ravina Tandon. I wish to thank her for giving us her precious time. And before we start the event for the evening, started by a few like-minded NGOs, spearheaded by Corona, Forward 69, Juhu Soul of Mumbai City, Mission Green, Brihan Mumbai Municipal Corporation, and many, many volunteers who joined us in this 1 year. We wish to thank each one of the volunteer group and the organizations who have stood by us in this year-long drive. Save the Beach is not just about saving your beaches. It's about saving the marine life. It's about saving the nature. And above all, it's about saving Mother Earth. The more I say or the less I say about UNICEF, whether it be the adoption of two girls who she has raised, I think it is commendable. She has set a mark amongst many and has led by example. I now wish to hand over the mic to Ravina Tandon Thadani ji and request her to share her views and thoughts on this initiative of Save the Beach. Thank you. पहले तो मैं जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं करीब 600 वॉलंटियर्स थे आज जो सुबह से इस बीच की सफाई में लगे हुए हैं जो हमारे एनजीओज इन्वॉल्व हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगी एंड जहाँ तक के रेणु जी हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमें इन जैसे लोगों की बहुत और ज़रूरत है आप जैसे लोग और पॉलिटिक्स में आए और आप जैसे लोग और एक्चुअल असली में सेवा करें सिटीजन्स की वो हम चाहते हैं उसके लिए हम एज अ सिटीजन मैं आज आपको धन्यवाद करती हूँ एंड बीइंग अ जुहूआइट मेरी पैदाइशी जुहू में हुई है आई हैव लिव्ड ऑल माय इयर्स इन जुहू एंड आई थिंक जब मैं आज आती हूँ जुहू और देखती हूँ इस तरीके से खूबसूरत और सफाई एंड इतना जोर लगा के जो जो जैसे हम स्वच्छ रखना चाहें हमारे सिटी को हमारे इलाके को हमारे देश को आई थिंक जुहू इज समथिंग विच नाउ कैन एक्चुअली लीड बाय एग्जांपल तो बिग कंग्रेचुलेशन टू रेणु जी थैंक यू सो मच एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल द एनजीओस एंड ऑल द वर्कर्स ओवर देयर हमारे साथ में आज तो हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं लेकिन उनको भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो रोज़ सुबह और रोज़ शाम आके एक एक टुकड़ा जो फेंका जाता है बीच पे हम सिटीजन्स के ज़रिए वो अपने हाथों से उठाते हैं और कचरे में डालते हैं क्योंकि शायद हम वो भूल जाते हैं कि हमारे पीछे कोई उठाने वाला है और वो लोग हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमने तो आज एक दिन किया है वो रोज़ करते हैं तो मेरी प्रार्थना होगी सिटीजन्स से जितने आते हैं हमारे जुहू बीच में घूमने के लिए आप आइए उसकी खूबसूरती इंजॉय कीजिए लेकिन उसको इसी तरह खूबसूरत छोड़ के जाइए जो अगला इंसान आए वो भी वही खूबसूरती देखे जो आपने देखी
तो प्लीज गंदगी ना फैलाएं। आपसे प्रार्थना करती हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज गिव द गुड मैसेज अहेड। हमारे मीडिया वाले हैं जो ये मैसेज आगे अवेयरनेस बढ़ाएंगे। थैंक यू मीडिया गाइस, ये मैसेज प्लीज स्वच्छ भारत का आप आगे बढ़ाइए आगे, एंड हमारे स्वच्छ जुहू का वेरी इंपॉर्टेंट लोकली। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं चाहती थी कि पहले रवीना जी थोड़ा बोले, बिकॉज मैंने यहाँ क्राउड में उतावलापन देखा कि माइक कब रवीना जी के हाथ दी जाएगी और वो कब बोलेंगी। पर आज हम ये इवेंट थोड़ा आगे बढ़ाने के पहले मेरी दरखास्त है, अगर हम सब से एक 2 मिनट का साइलेंस, 10 or 2 मिनट साइलेंस एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर ब्रेव ब्रदर्स who laid down their lives, not just in the Pulwama attack, but in all those terrorist attacks, and those who keep us so safe and secure that we can be here this evening and have this event. It's my humble request if we can observe that 2 minute silence, please. ओम शांति। आज रवीना जी ने कितनी बढ़िया बात की है, पर कहीं कहीं दुख होता है कि स्वच्छ भारत के बारे में बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतनी भावुकता से इसके पीछे पड़े हैं, 60 वर्ष हमने बिता दिए, एंड नोबडी प्रायर टू दिस अवेकेंड द प्राउड दैट दिस इज योर कंट्री, you have to love it with that passion and you need to keep it clean. So we are so honored to have somebody like the honorable Shri PM Mr. Narendra Modi ji, who is leading by example, who does not tell you that you do it, he tells you that I'm doing it and follow. It is commendable today that under the Swachh Bharat Abhiyan we see the kind of work which is being done. We are very, very humbled and very thankful to the Honorable MLA of this area, Shri Amit Satam ji, who has stood by us like a rock, whether it has been about the beautification of the beach, whether it has been about the installation of the trash booms at the Nala to arrest the floating material which is coming onto the beach, whether it is about the cleanliness of the beach or recalling of the tender, he has always and always stood by the citizens, and we are eternally grateful to him. A huge, huge round of applause for the Honorable MLA. My humble plea today, aapse ye mera nivedan hai ki aaj main aapki ek behan hone ke nate haath jod ke aapse ye vinanti karti hu कि ये देश आपका है, ये परिसर आपका है, सराउंडिंग आपका है, आप जितना इसको साफ रखेंगे आप उतनी कुशलता बढ़ाएंगे। मेरी ये आशा है कि टुडे यू ऑल विल टेक दिस प्लेज दैट फ्रॉम हियर ऑन नॉट ओनली विल यू कीप योर सराउंडिंग क्लीन, पर आप साथ में आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं आप उनमें ये उत्सुकता बढ़ाएंगे कि वो आसपास का एनवायरमेंट साफ रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी विल नाउ अनवेल द इंस्टॉलेशन एट द हैंड्स ऑफ श्रीमती रवीना चंदन जी एंड श्रीमती रेणु हंसराज। A small work on the installation. It's made purely from plastic.
for the last 2-3 weeks, students from the Bhavans College and Ecosaurus have sat together and made this installation. It's pure plastic from the plastic waste which we dispose. Chaega for public viewing. So please make the most of it. And I now request Ravina Tandon ji to come here and unveil the installation. So we invite the people who have made this to say a few words about it. Hi, I'm Nisha and this is Prabhu. Hello. Yeah. So Prabhu here, we're from Studio Ecosaurus and we're really happy to be part of Save the Beach initiative. And when this project was proposed to us, we were so thrilled that something like this has been thought of, and the fact that plastic pollution in the ocean is such a severe threat right now. We went on multiple cleanup drives, collected plastic bottles, plastic cans, whatever we could find, and this is a very long process. So after a lot of collection. Can we have your attention, please? Can we have your attention, please? We will now have our operator Renu Hansraj felicitate our guest of honor, Ravina Tandon ji. Thank you. Okay, I cannot just speak extempore about Renu, so I've written a few words down. There is no mountain of plastic too high or stormwater drain too deep. Our girl, the perfect balance of beauty and brains, proactive with boundless energy. She has won with a thumping majority a citizen's choice and has proved to be the bestest we could have ever dreamt of. Everything for her is doable, and so our Juhu is livable and lovable. The king of suburbs has its queen of hearts, Renu Hansraj. Thank you. And a big round of applause, please. Let me have it.
गाड़ी करे तो आगे चल रहा बहुत साइड से आ रहे हाय सर